अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 और मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ। मेरी बुआ छोटी है, तुम खाए भर आए, तुम खाए हो ना, तुम खाए भर ना, छोटी ही सब हुआ। गर्मी हो रही है तो मेरा ये फिर से करना हो रहा है थोड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज भी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो गई है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 और मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए नौला, क्योंकि पापा घर पर नहीं है। कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, कल पापा के जाने का ही था। मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत सही हो गई है, एक बार और देख पाऊँगी बुआ से। तो काफ़ी हद तक सही हो गई है आवाज़, कल से तो बहुत ही बेटर आ रही है। मैं पहुँच चुकी हूँ नौले पर, देखते हैं आज पानी कितना है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही कम था। सुबह का काम हो रहा था इसलिए सुबह तो नहीं आए, अभी आ रही हूँ और शायद आज तो पानी है। तो कैसे देखिए, आज पानी इतना भर चुका है। तो गाइस, अभी मैंने पानी भर लिया है और अब मैं जाती हूँ घर को। अभी मैं आ गई हूँ पानी भरने से घर पे और मैंने यहाँ पर गर्म पानी रख दिया है, क्योंकि मैं गले की वजह से बिल्कुल ठंडा कुछ भी नहीं खा रही हूँ, पानी भी गर्म ही पी रही हूँ। तो मैं पानी गर्म करके दुकान में जाती हूँ। हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं, वो दीदी खा रही है गुरुटी। कोई फ्रूटी, कोई आइसक्रीम, गर्मी दिन में आइसक्रीम बड़ी होना। मेरी बुआ छोटी है, तुम खाए भर आए, तुम खाए हो ना, तुम खाए भर ना, छोटी ही सब हुआ। चारो मैं क्या याद दिला जो मेरे गाइस, अभी हो गया है दिन के खाना बनाने का टाइम, तो मम्मी ने बना दिए हैं सब्जी और चावल। तो अब मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, चावल भी छोड़ दिया है मैंने, तो अब मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ आटा गूंथ के। तो गाइस, मैंने अभी अपने लिए खाना बना दिया है, रोटी बनाई, सब्जी मम्मी ने बनाई थी और दूध गर्म कराया मैंने अपने लिए, हल्दी वाला दूध बनाया है। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए आज का मौसम, और अभी पापा की ये दुकान हो गई है मम्मी के नाम। जब तक पापा नहीं आते हैं हम लोगों को देखना है, तो मालकिन है मम्मी। परफेक्ट टाइमिंग। मैंने तो खाना खा लिया है और अब मम्मी और ये जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इतनी अच्छी धूप हो रही थी और अभी अभी मौसम पूरा बादल वाला हो गया है, सामने वाले पहाड़ों पे तो बादल हो गए हैं और धूप ही आई है हल्की सी, हमारे इधर तो पूरा बादल हो गया है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है। हमारे सामने वाले भी और हमारे इस साइड वाले में भी धूप, बारिश इस मौसम हो रहा है, क्या पता शाम तक बारिश भी आ जाए। अभी हमारा दिन का खाना पीना हो गया है सब लोगों का, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठंडी हवा आ रही है और अब वो भी जा रहे हैं दुकान अपनी। और अभी हो रही है हमारी शाम की चाय, आज दो ही लोग हैं चाय पीने वाले, पापा तो अब वहीं पीने होंगे चाय। मौसम का भी ऐसा ही हाल है और मेरी आवाज़ का भी, तो
थोड़ा बहुत खुल रही है, थोड़ा बहुत अभी अच्छे से नहीं खुली है। तो ये देखिए गाइज, मम्मी गए थे घूमने के लिए और बुआ को बुला के लेके आ रहे हैं साथ में, क्योंकि बुआ ने मेरा काम करना है अभी। बुआ ने हाँ, बुआ जा रही है गुड़ाई करने, अभी बुआ आ गई है। मेरा ये फिर से करना हो रहा है थोड़ा, गला भी अच्छे से सही नहीं, एक बार ट्राई करना है अगर और थोड़ा तो अच्छा हुआ है। हो गया आज ले थोड़ा, आज कम भी है, ऐसी ही होता है ये, ऐसी थोड़ा रह जो मतलब पेट दिन जी। अब एक गिलास चाय बना दो, पेट पेट एक रुपए ये फरमा रहा बाल के मम्मी बाल सर में एक रुपया रखो बाल डेढ़ भी देने हैं, मैं दे रही हूँ थोड़ा दे, डेढ़ तो बोला था एक रुपया, वो डेढ़ दी नहीं है मम्मी बाल सर्वे रखो जा खिलौना जे दिशा तुम्हार इच्छा बे, मैं दी एक रुपया मैं खरीद मोल दी रुपया जी कौन बंद सा देत बगार हो जाना अल्लाह ना ती मैं मेरे समी ने अभी काले का क्या दिया है, आइसक्रीम और एक रुपया बुआ को भेट ये एक रुपया, एक रुपया एक शॉट है राय, एक गिलास चाय। अभी अभी ठंडा पी रही, अभी थोड़ी देर में गरम गरम चाय बनाऊंगी। तो आज भी मेरा ये तलाव उठाया हूँ बुआ ने, आज मतलब थोड़ा कम आवाज आई, अब सही हो जाएगा कल तक अच्छे से। तो मतलब भेद भेद करने का भेद देते हैं तो ज्यादा नहीं दिया हमने बुआ को, एक रुपये में ही तड़का दिया, आइसक्रीम दी है एक रुपया सौ का नोट के बराबर। हाँ, एक रुपया सौ नोट सौ रुपए के बराबर दे दिया मेरे को, सौ का बराबर है रा कौंडिनी ने कौंडिनी ने। आज का ब्लॉग भी इसी आवाज के साथ बन गया और बाकी कल तक तो सही हो जाएगा शायद, तो कल का ब्लॉग पहले वाली आवाज में बनेगा।